हेलो हाँ जी कौन? मैं दीवानी। हेलो हाँ जी दीवानी, क्या हाल खबर है? जीना दुश्वार हुआ है। क्यों, ऐसा क्या हो गया? मुझे कहीं खाना खिला दे। तो उस दिन तो खाने की बजाय बियर मांग रहे थे। तो साली बियर बोलना, खाना क्यों बोल रहा है? मुझे तो पहले से ही मालूम है तुम बियर कितना पीते हैं। क्यों शर्मिंदा कर रहे हो हमें सबके सामने? तू तो एक शराब। क्या मत? अच्छा बोल, है कि नहीं? तू है पागल। अब क्या हुआ, क्यों मुझे पागल बोल रही है? पूछो जरा पूछो। साली तू तो सिगरेट भी पीती है। सच सच बोल। सच कहते हैं हम को बोलूंगा तो बीड़ी पीती है, शराब पीती है। चलो गाना गाओ जोर से, ये देखा आएगा, तुम खाएगे तब ना पहले। चलो गाओ। नहीं देना चाहता, कम से कम मैं और मेरी भैंस तो आपको वोट देने को तैयार है। मैं जानता हूँ। अच्छा साहब जानता है, कोई चिंता कोई फिक्र नहीं। अरे मोदी जी, अगर तेरी सरकार चली जाएगी तो क्या करेगा? अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। अच्छा झोला उठाने को इतना बेचैन हो रहा है मोदी जी, पर जाने से पहले मेरी भैंस का आधार कार्ड तो बनवा दे। क्या करना होगा मुझे इसके लिए? बैंक में खाता खुलवाऊंगा। अरे मोदी जी, इसका बैंक में खाता नहीं खुल रहा, चक्कर काट काट कर बाद में परेशान होकर तेरे पास आया हूँ। पहले इसका आधार कार्ड बनवाओ, फिर खाता खुलेगा। आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। अरे चिंता कैसे ना करूँ मोदी जी, अगर 2024 में इलेक्शन के टाइम पर तूने सबके खाते में 15-15 लाख रुपए डाल दिया तो मेरी भैंस के 15 लाख मारे जाएंगे। जल्दी से इसका आधार कार्ड बनवा और मुझे जल्दी से बताओ मेरी भैंस का आधार कार्ड कितने दिन में बन जाएगा? मैंने 50 दिन मांगे हैं। क्या 50 दिन में? अरे मोदी जी, तुमने तो डिजिटल इंडिया बनाया है, इसके बावजूद मेरी भैंस के 50 दिन में क्यों बनाएगा? कोई और तरकीब निकालो जिससे कि जल्दी से जल्दी बन जाए। 2-3 लाख रुपए तुम्हारे। क्या 2-3 लाख रुपए? अरे मोदी जी, अगर मैं 2-3 लाख रुपए दे दूंगा तो मेरी भैंस का आधार कार्ड कल ही बन जाएगा क्या? बिल्कुल। अरे बाप रे, अगर मैं 2-3 लाख रुपए यहाँ दूंगा तो मेरा ट्रैक्टर बिक जाएगा, मेरा खेत खलियान बिक जाएगा। अगर मैं 2-3 लाख रुपए नहीं दूंगा तो क्या होगा मोदी जी? रोज चक्कर काटेगा। मालिक, मोदी जी को बता दो, अगर हम यहाँ रोज रोज चक्कर काटेंगे तो मैं रोज रोज चौथ मारूंगी वहां पर। अब देख लो, मेरा जल्द से जल्द आधार कार्ड बनवाओ, मुझे बेचैनी हो रही है, मैं अपने बैंक में खाता खुलवाऊंगी, नहीं तो यहाँ चौथ मार मार कर इतनी बदबू फैलाऊंगी, बस पूछो मत। अरे अरे मेरी भैंस तो चुप हो जा, ये मोदी का स्वच्छ अभियान है, अगर तूने यहाँ चौथ मार दिया, पोटी कर दी, तो मोदी जी डिजिटल माध्यम से तेरे चोट का फिंगरप्रिंट ले लेगा और तुझे मुझे पकड़ कर जेल में डाल देगा। हम क्या करेंगे फिर मोदी जी? मैं कह रहा हूँ मेरी भैंस बोल रही है यहाँ चोट कर देंगे तो इसका आधार कार्ड जल्दी बनवा दोगे क्या? ए दादागिरी मत कर। अरे नहीं मोदी जी, मैं दादागिरी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ ये भैंस सब कुछ जानती नहीं है, सब कुछ समझती नहीं है कि कहाँ चोट करना है। अगर ये चोट कर देगी ना तो मैं उठा ले जाऊंगा, ठीक है? बिल्कुल। अरे बच गया रे बाप। मोदी जी, इस भैंस को चोट आ रहा है, मैं इसको ले जा रहा हूँ, बाद में आता हूँ, ठीक है? अभी इसका आधार कार्ड नहीं बनवाना, अभी ये 18 साल की नहीं हुई है। ओके बाय बाय, फोन रखता हूँ। अरे मेरी जबाज भैंस, तेरे को समझा के लाया था ना, चोट पोट की बातें मत करना, बकल बढ़िया भैंस। अरे भैंस ही बड़ी रहेगी, अक्कल तो हमारी घास चरने गई है, चल निकल यहाँ से वरना मुझे भी पकड़वाएगी, खुद भी फंसेगी। हेलो हाँ जी कौन? मैं दीवानी। हेलो हाँ जी दीवानी, क्या हाल खबर है? जीना दुश्वार।
क्या हो गया? मुझे कहीं खाना खिला दे। तो उस दिन तो खाने की बजाय बियर मांग रहे थे। तो साली बियर बोलना, खाना क्यों बोल रहा है? मुझे तो पहले से ही मालूम है तुम बियर कितना पीते हैं। क्यों शर्मिंदा कर रहे हो हमें सबके सामने? तू तो एक शराब। अच्छा बोल, है कि नहीं? तू है पागल। अब क्या हुआ, क्यों मुझे पागल बोल रही है? पूछो जरा पूछो। साली तू तो सिगरेट भी पीती है। सच सच बोल। सच कहते हैं हम। को बोलूंगा तू बीड़ी पीती है, शराब पीती है।